तुम हाथी पालो मोर पालो लेकिन वो कुछ ना पाले, क्या जानवर पालने के लिए भी अब भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ेगी? अरे ये तो वही बात हो गई कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ऐसी तिलमिलाहट, ऐसी मिर्च। अरे भाई ये वन विभाग वाले हैं या जालिम विभाग है? पशुओं के साथ मनुष्यों की दोस्ती का रिश्ता कोई नई बात नहीं है। हाथी मेरे साथी, चार्ली 777, एंटरटेनमेंट जैसी कई फिल्में हैं जो मनुष्यों के साथ अपने रिश्तों की मिसाल को पेश करते हैं। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आदि इत्यादि कई लोग अपने घर पर पालते हैं, तो इसमें ऐसा भला क्या हो गया कि आरिफ ने एक सारस पाल लिया? तो अरे जब हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र पक्षी मोर को पाल सकते हैं, गोरखपुर में बीजेपी विधायक विपिन सिंह हाथी पाल सकते हैं, तो क्या आरिफ सारस नहीं पाल सकता? क्या उसे जीव पालने का अधिकार नहीं है? वैसे आपको बता दें कि जिस फुर्ती से वन विभाग वालों ने आरिफ गुर्जर को सारस पालने के लिए नोटिस भेजा है, उसी वन विभाग को अपना भेदभाव का चश्मा उतार कर थोड़ा ज्ञान बुद्धि का उपयोग करके, या अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करना जानते या करना नहीं चाहते, जानबूझकर अंधे बनाए रहना चाहते हैं, तो उनको बता दे कि महाराज वन विभाग में भर्ती हुए तमाम अधिकारियों और उप प्रभागीय वनाधिकारी गौरीगंज वालों, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को घर में नहीं पाल सकते। मोर एक वन्य जीव है, घर में मोर पालने पर 6 महीने कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि दोहरी नीति क्यों? क्या आरिफ सारस को पालने में असमर्थ था? आरिफ को दाना डालने पर कार्रवाई और मोदी जी के दाना डालने पर कोई कार्रवाई नहीं? वाह भाई, ये क्या दोगली नीति है। अफसोस होता है कि एक देश में एक संविधान के अंतर्गत इतना भेद कैसे हो सकता है। साहब मोर पाल सकते हैं मगर आरिफ एक सारस नहीं पाल सकता। उसी वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरिफ के दोस्त सारस को फॉरेस्ट अधिकारी उठा ले गए, जबकि सारस राष्ट्रीय पक्षी भी नहीं है। आरिफ का बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस उप प्रभागीय वनाधिकारी गौरीगंज अमेठी की ओर से भेजा गया है। आरिफ की सारस से साल 2022 के अगस्त महीने में उस समय हुई थी जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आरिफ ने इसकी जान बचाकर पक्षी के मन में अपने लिए प्रेम जताया था। करीब एक साल से सारस आरिफ और उनके परिवार के साथ ही रह रहा था। कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आरिफ और उसके सारस से मिलने अमेठी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी और सारस की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, सारस को तो कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया, क्या गोलू को भी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजेंगे? इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी के पक्षी प्रेमी बिसैया नामक गाँव को बहुत धन्यवाद जिसने सारस को बचाया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया जिसमें यूपी की सरकार नाकाम रही। सच तो ये है कि प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई हो ही नहीं सकती। भाजपा ही अगर समय रहते ये समझ ले तो शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। बीते दिनों वन विभाग की टीम सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार लेकर चली गई थी। अब सारस को नया ठिकाना मिल गया है। उसे समस्तपुर पक्षी विहार से उन्नाव और उसके बाद कानपुर के चिड़ियाघर ले जाया गया। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर कर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चिड़ियाघर में बंद परिंदा, ये कैसी आज़ादी है।